पठान फिल्म पर अलीगढ़ में हुआ विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा के मद्देनजर वाड्रा सिनेमा के बाहर भारी पुलिस बल किया गया तैनात। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी की बड़ी मुश्किलें, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2014 मामले में सुनाई सजा, दो सहयोगियों पर भी होगी सुनवाई। हरदोई के नेशनल हाईवे स्थित जहानी खेड़ा के पास भीषण सड़क हादसा, हादसे में ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त टीमें अभियान चलाकर कर रही है चेकिंग। हरदोई की पाली निवासी युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल पहुंचकर अलाया अपार्टमेंट हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की है, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें घटनास्थल पर तैनात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मालूम हो कि हजरतगंज इलाके में स्थित अलाया बिल्डिंग हादसे में घायल लोगों को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया था। देर रात तक घटनास्थल पर मौजूद रहकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद घायलों को अस्पताल भिजवाया। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जब तक हम भूतल ग्राउंड लेवल तक नहीं जाएंगे तब तक तो कहना मुश्किल है। अभी लगातार कार्यक्रम चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, वेंटिलेटर नहीं आते तब उन पर रखा है। अभी कुछ देर के बाद इसकी स्पष्ट होगी, चिकित्सक पूरी बात बताएंगे। खबर लखनऊ से है, यहाँ हजरतगंज स्थित अलाया अपार्टमेंट में एक दिन पहले ढह गया था। रेस्क्यू टीम का घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम में अधिकारी ने बताया कि मलबे से निकाले गए सामानों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जा रहा है, राहत बचाव कार्य संपन्न होने के बाद सामान वापस किए जाएंगे। उन्होंने बरामद सामानों को रिकॉर्ड की डायरी मेंटेन करने के निर्देश जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर देश भर में भयंकर विरोध हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने वक्तव्य पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि पुजारी और पांडा समाज उनका विरोध कर रहा है। वह डर रहे हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। स्वामी प्रसाद ने बताया कि एक वर्ग विशेष का विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वह गौरा ब्लॉक में 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वो पंडे पुजारी की बिरादरी का है जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है, उनको आभास हो गया कि अगर मौर्या जी के इस आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा, इसलिए वो खिसियाने हैं और वही पागलों की तरह भौंक रहे हैं। उनसे शिवपाल यादव जी ने सही कहा और मैं अपना बयान देते वक्त यही कहा था, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। हम किसी भी धर्म, किसी भी आराध्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहा हूँ और उसको करता रहूंगा। मैं अपनी बात रखता हूँ। खबर प्रयागराज से है, यहाँ कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने दो धाराओं में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि कोर्ट ने एससी एक्ट की धारा में कैबिनेट मंत्री कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रेवती रमण सिंह राज्यसभा सांसद थे और उनके बेटे ज्वल रमण सिंह यूपी सरकार में मंत्री, अपने रसू का इस्तेमाल कर मारपीट, गाली गलौज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुनाया है। गाजियाबाद में कोशाम्बे स्थित होटल एडिसन ब्लू में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है। इन्वेस्टर समिट में 89,310 करोड़ रुपए के एमओयू और प्रस्ताव साइन किए गए। सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। हैंडलूम और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में 503 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है।
जिला प्रशासन 12 फरवरी तक 1,00,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। विकास प्राधिकरण ने 2031 का मास्टर प्लान प्रेजेंटेशन किया है, जिसमें इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन लैंड लगाने की जानकारी दी गई है। यूपी से अधिकारियों ने पचायरा मोदी नगर में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए 500 एकड़ जमीन लैंड बैंक किया है। कार्यक्रम के दौरान 1,00,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ 5,00,000 रोजगार सृजित होने का आकलन किया गया है। जिला गाजियाबाद इन्वेस्टर समिट की आज ऐतिहासिक बैठक हमारे अधिकारियों के द्वारा हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अब तक 92,000 करोड़ के इंटेंट हुए हैं, जो 10 तारीख तक, जब 10 से 12 इन्वेस्टर समिट लखनऊ में होगा, तब तक 1,00,000 करोड़ तक इन्वेस्ट होने की संभावना है। और आज जिस तरह से जिला प्रशासन ने पूरे मास्टर प्लान को, NHI को और गाजियाबाद के लोगों को ये भी दर्शाया कि कहाँ पर हम भूमि दे सकते हैं, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से सरकार योगी आदित्यनाथ की जी की पूरी तरह से हमारे उद्यमियों को लैंड बैंक की भी व्यवस्था कर रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पठान मूवी के रिलीज को लेकर हिंदू संगठनों के नेताओं ने सिनेमा घरों के संचालकों को फिल्म प्रकाशित नहीं करने की धमकी दी है। पुलिस अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेकर वाड्रा सिनेमा के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनरत हिंदुवादी संगठनों से बातचीत कर फिल्म से आपत्तिजनक दृश्यों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में सिनेमा के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये पठान फिल्म को लेकर के कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है वो आपत्ति प्रकट की गई थी, उनसे स्पेसिफिकली हम लोगों द्वारा बात भी कर ली गई है, बातचीत में उनको समझाया भी गया और CBFC के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है और उनको भी दिखा दिया गया कि जो भी आपत्तिजनक सीन थे उन्हें मूवी से हटा दिया गया है। फिर भी हमने यहाँ पर पूरी पुलिस प्रबंध कर रखा है, यहाँ पर PAC इंस्पेक्टर और मैं स्वयं मौजूद हूँ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी गई। विरोध क्या भाई, हट जब बड़ी मूवी चलती है तो कोई ना कोई होता ही है विरोध। लाल सिंह चड्ढा पे हुआ, बायकॉट कर दी, क्या फायदा हुआ, अब मूवी अच्छी बनी है, देखो जाके। सब सेफली चल रहा है अभी तक, शो चालू हो चुका है। हाँ, शो चालू हो चुका है, 10 बजे का था, उसके बाद हमारे पास 2 RD हैं, 10 बजे का चला था, उसके बाद 10:45 का चला है, दोनों 70% ऑक्यूपाई। प्रशासन की इस तरह तैयारी है? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक लग रहा है पूरी तैयारी है, पूरी सेफ्टी। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद है, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ वाडर्स नाम। खबर गाजीपुर से है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गाजीपुर PG कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नए मतदाताओं को अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान नए वोटरों को ID कार्ड वितरित कर मतदान करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों समेत अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मना रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब गठन हुआ था उस दिन को हम मनाते हैं और इस दिन हम अपने मतदान के अधिकार को समर्पित करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि सभी लड़के और लड़कियां 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें और तत्काल ही अपना वोटर कार्ड बनवाएं और सभी निर्वाचनों में निर्भीक होकर निर्वाचन करें। यही अपील हम जनपद के सभी वासियों से करना चाहते हैं। खबर अमरोहा से है, यहाँ हसनपुर क्षेत्र के भाजपा विधायक महेंद्र खड़क वंशी ने अपने आवास पर गरीब महिलाओं को कंबल वितरण किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों के प्रति अन्य लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील का आह्वान भी किया। विधायक महेंद्र रघुवंशी समाज सेवी के क्षेत्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। जो वृद्ध महिला है, विधवा है, बुजुर्ग है, आज मैंने उनको अपने निजी कोष से कंबल देने का काम किया है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, ठंड से बचाव हो और अच्छी क्वालिटी के हमने कंबल इनको दिए हैं। हम रोज़ाना इसी तरह क्षेत्र में भी लोगों को इस कंबल का वितरण कर रहे हैं, हर बार इसी तरह हम कंबल देते हैं, एक सेवा है जो हमारे बस की, वो सेवा हम कर रहे हैं। कोई संदेश देना चाहते हैं? कोई संदेश नहीं थी इसमें, क्या संदेश है इसमें, जो लोग ऐसे लोगों की मदद आप लोग, हाँ, और हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि ऐसे लोग हमारे जो बहनें हैं इनकी मदद करने का सभी लोग ऐसा काम करें।
अयोध्या पुलिस ने 3 महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित था। साइको किलर एक महिला को पकड़ कर ले जा रहा था। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सूचना पर बाराबंकी पुलिस भी अयोध्या पहुंच गई। बता दें कि सीरियल किलर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले आई है। एडिशनल SP ने साइको किलर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। 3 जिलों की पुलिस लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी आरोपी की तलाश कर रही थी। पूछताछ में मौके से पकड़े गए युवक ने अपना जुर्म स्वीकार किया। युवक द्वारा यह भी बताया गया कि इसके पूर्व जनपद बाराबंकी में रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में भी उसने ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया है। और इस संबंध में युवक द्वारा बताया गया कि सुनसान स्थान पर किसी महिला को अकेली पाकर वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है। इस संबंध में पंजीकृत अभियोग और जो भी साक्ष्य संकलित किए गए हैं उसके आधार पर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर अमेठी से है, जहां तेज रफ्तार बाइक से घायल हुई युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शव को कोतवाली के बाहर रखकर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने बताया कि शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी। पिछले 8 दिनों से मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने आर्थिक सहयोग और पुलिस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। कोतवाली प्रभारी ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर हरदोई से है। यहां पाली इलाके निवासी एक युवती से शारीरिक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने बताया कि शादी का झांसा देकर युवक पिछले 3 साल से शारीरिक शोषण कर रहा है। परिवार ने शादी का दबाव बनाया तो युवक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि युवती शहर कोतवाली निवासी है। युवती के साथ बुआ के लड़के ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया है। पीड़िता की तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। लड़की है जो रहने वाली थाना पाली क्षेत्र की, लेकिन यहाँ पर कोतवाली शहर में निवास करती है। उसने आरोप लगाया है कि विपक्षी जो कि थाना पाली क्षेत्र का रहने वाला है और उसके बुआ का लड़का है, उससे 3 सालों से लगातार उससे बातचीत करता था और शादी का झांसा देकर के उसके साथ गलत काम किया है। आज उसने प्रार्थना पत्र दिया है और इसके आधार पर जो आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। खबर हरदोई से है। यहां लखनऊ शाहजहांपुर नेशनल हाईवे स्थित जहानी खेड़ा के पास ट्रैक्टर ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे SHO ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों को पसीगंवा CSC इलाज के लिए भर्ती कराया है। उन्होंने मृतकों की पहचान फैजी ट्रैक्टर चालक और उवेश निवासी औरंगाबाद जिला लखीमपुर के रूप में की है। ट्रैक्टर के मलबों को हटाकर यातायात सुगम बनाने के पुलिस अधिकारियों ने निर्देश जारी किए हैं। यह पियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत जहानी खेड़ा चौकी पड़ती है। वहाँ पे सरैया पुल है, उसी के पास एक ट्रैक्टर जा रहा था शाहजहाँपुर से सीतापुर की तरफ, उससे और एक ट्रक जो सीतापुर की तरफ आ रहा था लखनऊ से, तो दोनों में एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। जो मृतक हैं उनके नाम हैं उबैस जो 13-14 साल के हैं और फैजी करीब 24 साल के हैं। जो घायल हैं उनका नाम मुन्नू है, ये जो है करीब 20 साल के हैं। ये लोग औरंगाबाद जनपद खीरी के रहने वाले थे। हरदोई के काशीराम कॉलोनी में प्रेमिका से मिलने गए एक युवक को युवती के परिजनों ने पहले पीटा, फिर बाद में उसको घर की छत से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही 3 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए सारे मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मृतक के भाई ने तहरीर देकर बताया कि उसके भाई का कॉलोनी के में ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने फोन कर उसे घर पर बुलाया था, जहां युवती के परिजनों ने उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसके भाई को पकड़कर 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया गया। थाना कोतवाली देहात का मामला है। अभिलाष निवासी काशीराम कॉलोनी, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि उनका भाई आनंद जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, या पड़ोस में एक लड़की से पिछले कई सालों से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। रात में वो उस लड़की द्वारा उनको फ़ोन से बुलाया गया और जब घर पहुंचने पर
परिजनों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको धक्का देकर के नीचे गिरा दिया, जहां उनको अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस से सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची है। शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तहरीर परिजनों द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर औचक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। फिरोजाबाद में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कोई अप्रिय घटना न हो उसको लेकर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे कई ट्रेनों में चेकिंग की गई और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने को अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन पर सबको रिडेक्टर मशीनों द्वारा चेक किया गया। वहीं यहाँ स्थानीय आईवी की टीम ने भी अपनी जिम्मेदारी से सघन चेकिंग अभियान में पूर्ण रूप से भागीदारी दी। 26 जनवरी के दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की गई ट्रेनों में, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया इत्यादि में चेकिंग की गई थी। इससे जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी कुशलता से रहें, सभी सकुशल रहें और उनके लिए कोई कहीं घटना दुर्घटना ना घटित हो। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।